बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और इंटरनेट के बारे में। इनके बीच का क्या इक्वेशन है, क्या रिलेशन है और कैसे इंटरनेट एक सक्सेसफुल सीआरएम को इंप्लीमेंट करने में असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इस सेशन में हम स्टडी करेंगे वो तीन तरीके जिनके थ्रू इंटरनेट सीआरएम को सपोर्ट करता है, हम उन पर लाइट डालेंगे। पहला है गिविंग इंफॉर्मेशन आउट टू दी कस्टमर्स, मतलब कि कंपनीज अपने कस्टमर को इंटरनेट के थ्रू अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। दूसरा, गेटिंग इंफॉर्मेशन बैक फ्रॉम कस्टमर्स, मतलब उसी इंटरनेट को यूज कर बिजनेसेस अपने कस्टमर्स से भी कुछ इंफॉर्मेशन वापस ले रहे हैं। और तीसरा है इन दोनों इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ई कॉमर्स सेल्स यानी ऑनलाइन सेलिंग कर रही है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला तरीका क्या है, जो कि है गिविंग इंफॉर्मेशन आउट टू कस्टमर्स, कैसे बिजनेसेस इंटरनेट को यूज कर अपने कस्टमर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इंटरनेट एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बिजनेसेस को कि वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन अपने एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। अगर सबसे ज्यादा बेसिक लेवल पर बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम अपने कस्टमर्स को बता रहे हैं कि हमारा ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है, नंबर एक, और दूसरा इस बिजनेस तक रियल वर्ल्ड में किस तरीके से पहुंचा जा सकता है। इसको करने के लिए सबसे सिंपल एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि एक वेब बेस्ड ब्रोशर बना दिया जाए जो कि प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को डिस्क्राइब कर रहा हो और कस्टमर्स को ये बता रहा हो कि ये बिजनेस लोकेटेड कहां पर है और वो कैसे उस बिजनेसेस तक पहुंच सकते हैं। आजकल ज्यादातर घरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी है और ये जो नंबर है वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो कंपनीज को अब ये उम्मीद कर लेनी चाहिए कि उनका कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में परचेज करने से पहले उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर, वेब पर सर्च कर सकता है। सीआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेट की इस लेवल की एक्टिविटी के बारे में सोचना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। सेकंड इज वे नंबर टू, दैट इज गेटिंग इंफॉर्मेशन बैक फ्रॉम कस्टमर्स। हमने कस्टमर को अपने बारे में तो बता दिया मगर अब हमें उससे उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और ये भी हम करेंगे इंटरनेट के थ्रू। ये जो नेक्स्ट लेवल है सोफिस्टिकेशन का, इसका मतलब ये है कि बिजनेसेस ना सिर्फ अपने बारे में अपनी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं बल्कि उनके बारे में उन्हीं से सीख रहे हैं। इंटरनेट बिजनेसेस को अपने कस्टमर से रिलेटेड जो भी यूजफुल डेटा है उसे कलेक्ट करने में हेल्प करता है। कभी कभी इसका मतलब ये हो सकता है कि हमने कस्टमर्स को कुछ क्वेश्चंस दिए और वो उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमें, तो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। दूसरे केसेस में ये भी हो सकता है कि बिजनेसेस अपने कस्टमर को बिना डिस्टर्ब करे, बिना इंटरफेयर करे, जस्ट उसको ऑब्जर्व करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, जैसे उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री एटसेट्रा। अब ये यहां पर कुछ तीन जनरल तरीके हैं जिनको यूज कर इंटरनेट के थ्रू कस्टमर से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। पहला है बिजनेसेस सिंपली अपना एक ईमेल एड्रेस बनाएं और उसको अपने कस्टमर्स तक प्रोवाइड कर दें ताकि अगर उनको कोई भी ग्रीवियंस है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है तो कस्टमर उस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकता है। दूसरा, बिजनेसेस ये भी कर सकते हैं कि अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उनको ये कहें कि वो कंपनी की वेबसाइट पर रजिस्टर कर ले। अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा ये अपने आप में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन कस्टमर्स के बारे में डायरेक्टली कलेक्ट कर लेगा। तीसरा और एक और आसान तरीका है, वो है सर्वेज या क्वेश्चन ऑफ द डे बनाकर कंपनी की वेबसाइट पर डाल देना। ये कस्टमर को एक्टिवली एंगेज करने में भी हेल्प करता है विद द वेबसाइट। और लास्ट है ई कॉमर्स। अब हमने अपने बारे में इंफॉर्मेशन कस्टमर को दे दी, कस्टमर्स की भी जो भी कस्टमर का यूजफुल डेटा है वो भी हमारे पास आ चुका है। अब इसको यूज कर बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, बिजनेसेस इंटरनेट को यूज कर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने कस्टमर्स तक डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद एक म्यूचुअली रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं अपने उन कस्टमर्स के साथ जिनको कभी डायरेक्टली बिजनेसेस ने देखा नहीं है, उनसे कभी पर्सनली मिले नहीं है, ना कभी उनसे डायरेक्टली फेस टू फेस बात हुई है। और ये पूरी रिलेशनशिप एक बिजनेस और कस्टमर के बीच में एग्जिस्ट करती है सक्सेसफुली, मगर सिर्फ साइबर स्पेस में। आज जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको यूज कर बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट को ओवर द इंटरनेट बेच सकते हैं, अपने कस्टमर्स की क्वेरी या क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, अपने कस्टमर की प्रीवियस परचेज हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए उन्हें एडिशनल प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं और
अपने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल भी इवेल्युएट कर सकते हैं, और ये सब कुछ वो कर रहे हैं बिना अपने कस्टमर से इन पर्सन डील करे। सो विद दिस वी वाइंड अप दिस शॉर्ट सेशन ऑन CRM एंड इंटरनेट। होप यू लाइक द वीडियो एंड गॉट द हैंग ऑफ इट। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, इट्स मनीष शर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।